पिछले 24 घंटों में झारखंड में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और एक आध जगह पर भारी बारिश भी देखने को मिली है। और जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है वो 76.3 मिलीमीटर चास, जो कि बोकारो जिले में आता है, वहाँ देखने को मिली है। और जो मुख्यतः बारिश जो ज़्यादा देखने को मिली है वो कोनार में 53.8 मिलीमीटर, आपके बोकारो थर्मल में 41.2 मिलीमीटर, पुटकी में 36.2 मिलीमीटर, तेनुघाट में 34.6 मिलीमीटर मुख्यतः देखने को मिली है। और जो अगर बात करें तो सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान था कल वो 26.6 डिग्री सेल्सियस गोड्डा के कृषि विकास केंद्र में देखने को मिला, और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान था वो 13.1 डिग्री सेल्सियस रांची में रिकॉर्ड किया गया। और बात करते हैं कि सिनॉप्टिक फीचर जो झारखंड पर भी जिसका असर देखने को मिल रहा है, तो दो सिनॉप्टिक फीचर हैं जिनका असर देखने को मिल रहा है झारखंड पे। एक है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि मध्य भाग उत्तर प्रदेश में है और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से एडजॉइनिंग बिहार है वहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है और 2.1 किलोमीटर एवर मीन सी लेवल तक उसका असर देखने को मिल रहा है। और दूसरा एक ट्रफ है जो कि साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश से होता हुआ साउथ बिहार से ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मैंने बताया ईस्ट उत्तर प्रदेश और जानी बिहार पे है उस तक एक्सटेंड कर रहा है और इसकी हाइट 1.5 किलोमीटर एवर मीन सी लेवल तक एक्सटेंड कर रहा है। और बात करें कि अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान, तो जो फोरकास्ट है इस प्रकार है कि आज 29 दिसंबर राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिलेगी। और साथ साथ में अगर बात किया जाए तो कल से जो बारिश है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी और राज्य में जो उत्तर पूर्वी भाग हैं उन्हीं में मुख्यतः आपको हल्की बारिश देखने को मिलेगी। और 31 तारीख से मौसम एकदम साफ हो जाएगा और जो नया साल है उसमें भी जो रेनफॉल है उसकी एक्टिविटी एकदम नहीं देखने को मिलेगी और 31 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। और बात करते हैं कि टेम्परेचर का, तो एक दो दिन जो टेम्परेचर है वो जो अभी चल रहा है क्योंकि टेम्परेचर WD के कारण पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ा हुआ है तो इसमें कोई बड़ा बदलाव एक दो दिन में नहीं देखने को मिलेगा। उसके तत्पश्चात जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ खत्म होगा फिर से उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का आगमन झारखंड की तरफ होगा और वो सर्द हवाएं जो उत्तर दिशा से आएंगी वो फिर तापमान जो पारा है उसको गिराएंगी। और जैसे ही ये सिस्टम ख़त्म होगा तो कल सुबह से आपको झारखंड में कई जगहों पे घना कोहरा देखने को मिल सकता है और अगले 3 दिन तक ये कोहरा आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये कोहरा में आपको कमी आएगी और हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा आपको सुबह में देखने को मिलेगा। तो 3 दिन कोहरे की भी चेतावनी झारखंड में है। और आज की बात करें तो सिर्फ हल्के से मध्यम दर्जे का जो बारिश है उसके साथ साथ गर्जन वज्रपात भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि आज लगभग पूरे राज्य में बारिश है और कल से सिर्फ उत्तर पूर्वी भाग में कुछ हल्की बारिश होगी और 31 तारीख से कोई बारिश नहीं है। वही है कि टेम्परेचर में अगले 1 से 2 दिनों के बाद में पारा फिर से गिरने लगेगा और अगले 3 दिनों तक आपको सुबह में घना कोहरे की भी स्थिति बनते हुए देखी जा सकती है। धन्यवाद। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।